नमस्कार, आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्रॉस स्टिच में ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है। इसे आप बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं। इसके लिए दो सूती कपड़े और एंकर के चार कलर के थ्रेड का यूज़ हुआ है। पेट वाली नीडल है। डिज़ाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्रॉस बनाना है, ये बुनावट के दोनों तरफ से क्रॉस करते हुए। ये देखिए, ये दूसरा बन रहा है, फिर इसे एक क्रॉस कर देना है। तो ये क्रॉस स्टिच हो जाएगा। सबसे पहले एक बनाना है, उसके नीचे तीन बनाना है। एक पहले क्रॉस के दाएं साइड और फिर एक बाएं साइड, इस तरीके से तीन आएगा। वो एक जो बना हुआ है वो सेंटर में जाएगा। ये इस तरीके से तीन बन गया। अब किनारे वाला जो स्टिच है उसके ठीक नीचे हमें फिर से क्रॉस स्टिच बनाना है, इस तरीके से देख लीजिए। हाँ, अब फिर हमें ये बाहर की तरफ एक स्टिच बढ़ाना है बाहर की तरफ। यहाँ भी ये दो स्टिच पड़ गए एक लाइन में। अब ये दोनों के बीच का एक गैप दे देंगे और फिर तीसरा जो स्टिच है उसके नीचे एक स्टिच देंगे, क्रॉस करेंगे, फिर उसके आगे एक बढ़ाते हुए एक आगे। यहाँ दो स्टिच पड़ गए, एक दो स्टिच, फिर एक गैप, फिर दो स्टिच, इस तरीके से पड़े। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि बाहर वाले जो स्टिच है लास्ट वाला उसके नीचे स्टिच देना है और फिर नेक्स्ट उसके आगे बढ़ा के देना, बाहर की तरफ बढ़ा के देना। इसी तरीके से हम ये 10 रो कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो फिर ये अंदर वाले स्टिच के जस्ट नीचे देना है और अंदर की तरफ एक स्टिच बढ़ाना है। अंदर के स्टिच ये देखिए नीचे दिया गया और ये फिर ये एक स्टिच जो अंदर की तरफ, दूसरा स्टिच अंदर की तरफ देंगे, मतलब घटते हुए क्रम में आएगा ये। यहाँ पे मेरी थ्रेड ख़त्म हो गई है, तो आइए ऊपर वाले को रो पूरा करते हैं। देखिए, बाहर की तरफ जो स्टिच है उसके जस्ट नीचे एक स्टिच लगेगा और दो स्टिच लगाने हैं तो फिर एक ये बाहर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये 10 रो कंप्लीट करने के बाद फिर हमें इसे अंदर की तरफ मोड़ना है। तो अंदर की तरफ मोड़ने के लिए अंदर वाले स्टिच के जस्ट नीचे लेना है और फिर एक स्टिच अंदर की तरफ लेके इस तरीके से बना देना है। ये हमारा डायमंड शेप में बन गया। अब यहाँ पे हमें ब्लू थ्रेड यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेंटर में एक स्टिच लेना है, पहले की तरह एक स्टिच लेके फिर उसके नीचे वाली रो में तीन स्टिच लेना है, एक स्टिच के इस तरफ, फिर इसके जस्ट नीचे और फिर एक बाहर की तरफ, जिस तरीके से हमने ऑरेंज वाले में लिया है एक फिर तीन, उसी तरीके से इसे भी लेना है और फिर सेम उसी तरीके से इसे भी कंप्लीट करना है। बाहर की तरफ एक एक स्टिच बढ़ते आएंगे और फिर नीचे अंदर मोड़ना है तो फिर अंदर की तरफ घटाते हुए क्रम में चले आएंगे। इसमें देखिए, आपको किसी भी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक आ गया, फिर यहाँ उसी तरीके से ये दो हुआ, दो के बाद उसी यहाँ पे हमें तीन स्टिच लगा देना है, तीन पूरा कर देना है, दो तो पहले से लगे हुए एक, इसी क्रम में हमें ये स्क्वायर भी पूरा कर लेना है। देखिए, अब मैं इसके बाद रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। एक स्टिच लेना है, यहाँ पे एक ही रो बनाना है, दो स्टिच नहीं लेना है, एक ही स्टिच से इसी तरीके से देखिए बढ़ते हुए आ जा रहा है। फिर इसे घटाते हुए ये स्क्वायर बना लेना है। अब आते हैं बाहर की तरफ। बाहर भी यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। फिर पैटर्न वही है, एक स्टिच फिर उसके नीचे तीन स्टिच, पहले वाले को सेंटर में रख के। अगर आपको मेरा वीडियो अपने काम का लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से करें।
बेल आइकन को दबाएं। इसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर से देखिए वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, बाहर वाले स्टिच के जस्ट नीचे स्टिच देना है और फिर बढ़ाना है तो बाहर की तरफ जाना है और अगर घटाना है तो फिर अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पे चूँकि हमें बढ़ा रहे हैं ये, तो ये बाहर की तरफ एक स्टिच बढ़ते चला आएगा। इसी तरीके से उस साइड भी कर देना है। ये हमारा वी में आ गया, पैटर्न वही है। इसके बाद हमें ग्रीन कलर यूज़ करना है। इस डिज़ाइन को आप कुशन, टेबल क्लॉथ, बेडशीट कुछ पे भी बना सकती हैं। इस तरीके से आप चौकोर में बना के सेंटर में डाल सकती हैं। एक साथ बनाते हुए खुद खुद ब खुद एक साथ ज्वाइंट हो जाता है। ये देखिए इस डिज़ाइन को बॉर्डर पे बनाया गया है जो बहुत ही सुंदर लगता है। तीन तीन पीस ज्वाइंट करके सेंटर में डाल सकती हैं, बॉर्डर में डाल सकती हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। धन्यवाद।